किलकारिया गूंजे हैं सारा दिन कहानियां नन्ना नन्ना ओ, हाँ चाचू। इतने उदास क्यों हो तुम? क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ। अरे किसने कहा भाई तुम इतने क्यूट हो, गोलू मोनू हो, किसने कहा तुम बदसूरत हो? किसी ने नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही भद्दा सा फरी और पर्पल कलर का हूँ। करण चाचू मैं आपके जैसे क्यों नहीं दिखता? अरे टेनी तुम इतने गोलू मोलू हो, रंग बिरंगे हो, फरी हो, और यही चीजें तो तुमको इतना अलग बनाती हैं। इनफैक्ट तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। नहीं 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 मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ मैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है? हाँ ओके। तो एक बार की बात है, कई साल पहले चंदनवन के जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। वो रात की तरह काला था, उसके काले पंख काजल से चमकीले थे, उसकी काली आंखों में कोयले जैसी चमक थी और उसकी एक पतली तीखी चोंच भी थी। पर कालू का एक सपना था, वो हमेशा से जंगल का सबसे सुंदर पक्षी बनना चाहता था और इसके लिए वो अपने पंखों पर फूलों का रस लगाता और अपने चेहरे पर भी नीम की पत्तियां रगड़ता था। पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो काला ही रहा और दूसरे पक्षी उसके कालेपन का मजाक उड़ाते थे। जब भी वो दूसरे पक्षियों के पास से गुजरता तो सब कहते, कालू कालिए, कोयला भी देर से सफेद है। टिप्पी नाम का मोर तो कालू की बहुत टांग खींचता था। ओए कालू, तू तो आज बड़ा चमक रहा है, डामर से नाया है क्या? रोज रोज के तानों से तंग आके कालू एक दिन अपने घोंसले से उड़ गया। वो चंदन वन नदी के किनारे लगे एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया और अपनी हालत पे रोने लगा। वो रोते हुए बोला, क्यों भगवान, आखिर क्यों, क्यों तुमने मुझे इतना काला बनाया? मैं क्यों बाकी पक्षियों की तरह सुंदर नहीं हूँ? मेरी मदद करो भगवान। जब कालू वहां खड़ा रो रहा था तभी उसने वाइटी नाम की सफेद हंसनी को पानी में मजे से तैरते देखा। कालू वाइटी के दूध से सफेद रंग, उसके गुलाब से लाल गालों और उसकी सूरत से सुनहरी चोंच को देख के अचंभित रह गया। उसको उस हंसिनी को देख एक ख्याल आया, वाइटी जंगल की सबसे सुंदर पक्षी है, शायद मैं सब गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा था। अब मुझे बस वाइटी की नकल करनी है और जल्द ही मैं भी उसकी तरह सफेद हो जाऊंगा। अपने इस कमाल के ख्याल से खुश होकर कालू कांव कांव करता अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ा। वो अपना घर छोड़कर नदी में हंसिनी के जैसी जिंदगी जीने के लिए आ गया। हंसिनी दिन भर पानी में तैरती रहती है, शायद इसीलिए उसके पंख इतने सफेद हैं। अब कालू भी नदी में तैरने के लिए कूद पड़ा, पर जैसे ही वो पानी में गया वो डूबने लगा। उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। शायद तैरना मेरे बस का नहीं है, पर मैं खुद को बार बार धो तो सकता हूँ, है ना? ये सोचकर कालू रोज सुबह सूरज उगने से शाम सूरज ढलने तक खुद को बार बार धोने में लग गया। वो सफेद होने के चक्कर में खुद को हर घंटे रगड़ रगड़ के धोता, पर सब से भी उसका कुछ भला नहीं हुआ, उसके पंख काले के काले ही रहे। एक दिन हताश कालू ने हंसिनी को पानी में जमी हुई काई खाते हुए देखा और सोचा, शायद नहाना और धोना कोई काम का नहीं। माँ भी कहती थी तुम जैसा खाते हो वैसे ही तुम बन जाते हो, तो अब मुझे भी वही खाना चाहिए जो हंसिनी खाती है। इसी ख्याल के साथ कालू अब रोज वही काई खाने लगा जो हंसिनी खाती थी, पर उसका पेट काई पचाने के लिए बना ही नहीं था। धीरे धीरे जैसे दिन गुजरे
वो पतला होने लगा और उसके पंख भी झड़ने लगे। खुद को बार बार पानी से धोने के कारण उसको बुखार भी चढ़ गया, पर कालू ने हार नहीं मानी। एक दिन धूप में जब वाइटी नदी में तैर रही थी, उसे झाड़ी में से कुछ आवाज आती सुनाई दी। लगता है कोई बहुत दर्द में है, जाके देखना चाहिए। ये सोच के वाइटी तैर के झाड़ी के पास पहुंची। अब वाइटी ने झाड़ियों में झांका तो उसको आश्चर्य हुआ और झटका भी लगा। उसने देखा कि झाड़ियों में कालू पड़ा हुआ था और बीमार होकर तड़प रहा था। कालू की हालत देख वाइटी उसकी मदद के लिए दौड़ी। उसने कालू का माथा छुआ तो पाया कि उसे बहुत तेज बुखार है। वाइटी एक बहुत ही दयावान हंसिनी थी, इसलिए उसने कालू की मदद की और अगले कुछ दिन उसने कालू का ध्यान रखा। कालू कुछ ही दिन में फिर से अच्छा हो गया। वाइटी की दरिया दिली कालू का दिल छू गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वाइटी, अगर तुम नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। वाइटी ने कालू की पीठ थपथपाई और बोली, मुझे धन्यवाद मत कहो, मैंने तो वही किया जो एक प्राणी को दूसरे प्राणी के लिए करना चाहिए। पर मुझे ये बताओ, तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? शर्मिंदा कालू अपनी पूरी कहानी वाइटी को सुनाता है। कालू की बात सुनकर वाइटी हैरान हो जाती है। तुमने मेरे जैसे बनने के लिए इतनी तकलीफ उठाई। सच बताऊं तो मैं तुमसे हमेशा जलती थी। मैं चाहती थी कि मेरे पंख भी तुम्हारी तरह काले और चमकीले हों। मुझे देखो ना, मैं कितनी सफ़ेद और पीली हूँ। तुम्हारी चोंच कितनी तीखी और मेरी कितनी चपटी है। मैं तो पूरा दिन थोड़ा काला होने के लिए धूप में घूमती हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब वाइटी बोल रही थी तब उसकी बातें सुन के कालू के दिल में समझदारी की लालटेन जली, और जब उसको समझ आया कि वो कितना नासमझ था तो वो रोने लगा। उसका रोना देखकर वाइटी बोली, अरे मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कालू ने अपने आंसू पोंछे और वाइटी से बोला, सच बात यह है वाइटी के हम दोनों ही बहुत नासमझ हैं। मैं हमेशा सोचता था कि तुम सुंदर हो और तुमको लगता था कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हम दोनों अलग हैं और हम दोनों में अपनी अपनी खूबियाँ हैं और हम दोनों ही सुंदर हैं। खुद को किसी और की तरह बनाना बहुत गलत बात है। कालू जब वाइटी को अपने अंदर पैदा हुई समझ के बारे में बता रहा था तो वाइटी भी उसकी बातें समझ रही थी, और फिर दोनों ने उस दिन एक दूसरे से वादा किया कि अब चाहे जो भी हो जाए, वो दोनों कभी किसी भी कारण से खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। भगवान ने जैसा उनको बनाया है वो वैसे ही सुंदर हैं और उनको वैसा ही रहना चाहिए। तो टेनी, अब तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? यही कि हम सबको भगवान ने अलग बनाया है, जैसे मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, मैं और आप, और हम सब अपने आप में खूबसूरत हैं। बिल्कुल, तो अब कभी भी तुम अपने आप को बदसूरत कहोगे? नो, कभी नहीं। मैं हूँ गोलू मोलू फोरी और पर्पल, यही चीजें तो बनाती है मुझे टेनी, और बस यही बात है मुझे सबसे कहनी। वाह, हमारा टेनी तो शायर बन गया। तो बच्चों, मैं आपका करण चाचू और हमारा नया शायर टेनी एक बार फिर चाहेंगे आप सभी सुंदर बच्चों से इजाजत, और वापस मिलेंगे यहीं ऑन योर फेवरेट शो किलकारियां, जहां कहानियां हमारी और दुनिया आपकी। अरे अरे, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।